सभी मित्रों को क्रैक एग्जाम चैनल में उमेश गोयल का नमस्कार। साथियों, आज मैं माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं को बहुत ही सरल विधि से याद करवाने जा रहा हूँ। आपके सामने एक ग्राफिक्स है, इस ग्राफिक्स में कुछ पिक हैं। तो जो सबसे पहले फ़ोटो है उसमें आप देख रहे हो कि एक औरत है, फिर उसके बाद कुछ पुष्प हैं, फूल हैं, अगरबत्ती जल रही है, उससे कुछ धुआं उठ रहा है, माखन है, कुछ बर्फ़ की क्यूब्स हैं जिनको हम हिम कहेंगे यहाँ, और नीचे भगवान का चित्र है जिसे हम साहित्य देवता कहेंगे। इन सारी चित्रों को हम आपस में जोड़ते हुए एक कहानी बनाएंगे। वेणु की एक व्यक्ति है, वेणु, उसकी माता ज्वर से पीड़ित है और वह ज्वर इतना खतरनाक है कि वो मर सकती है। तो वेणु की माता मरण ज्वर से पीड़ित है, तो किसी ने उसको बताया कि आप साहित्य देवता हैं, उनके पास जाइए, वो आपको सही कर सकते हैं। उनके पास जाने के लिए आप उनको पुष्प समर्पित करना, अगरबत्ती का धुआं दिखाना, कुछ बर्फ और माखन उनके लिए समर्पित करना। अगर इन चारों चीज़ों को उनके चरणों में समर्पित करोगे तो आप बहुत जल्दी सही हो जाओगी। तो वेणु की माता जो ज्वर से पीड़ित है, वो साहित्य देवता के समक्ष कुछ पुष्प, अगरबत्ती, हिम और माखन उनके चरणों में समर्पित करती है और बहुत ही जल्द वह उस बीमारी से निजात पा जाती है। इस कहानी के माध्यम से और ग्राफिक्स के इन चित्रों के माध्यम से हम माखनलाल चतुर्वेदी की 10 कृतियों को बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हैं। अब वेणु से इनकी रचना बनती है, वेणु लो गूंजे धरा। दूसरी कृति है माता। तीसरी कृति है मरण ज्वर और चौथी कृति है पुष्प की अभिलाषा। ये माखनलाल चतुर्वेदी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। और पांचवी रचना है धूम्र वलय और छठी रचना है हिम से। दो रचना बनती हैं, हिम तरंगणी और हिम क्रीटनी। और दोस्तों, इसमें माखन का चित्र हमने इसलिए डाला है जिससे कि हमें ध्यान रहे कि ये माखन की अर्थात माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं। और चरण से बनता है युग चरण और समर्पित से बनता है समर्पण और अंतिम रचना है साहित्य देवता। ग्राफिक्स के इनके चित्रों को जोड़ते हुए हम बहुत सरल विधि से आसानी से कुछ ही सेकंडों में हम माखनलाल चतुर्वेदी की 10 रचनाओं को याद कर पा रहे हैं। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी। साथियों, इस वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे एक लाल रंग का बटन है, उसको दबाना ना भूलें। और हम जल्द ही इससे भी बेहतर वीडियो आपके सामने लाएंगे। धन्यवाद।